ठंड से जूझ रहे उत्तर भारत के लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में पारा गिरने की संभावना है। ये न्यूनतम -4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से चल रही तेज हवाओं के कारण मौसम विशेषज्ञ के अनुसार ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी और कोहरा जल्द ही लौटेगा। मौसम विशेषज्ञ ने कहा है कि 14 से 19 जनवरी के बीच बर्फीली भीषण ठंड का अनुभव होगा और 16 से 18 जनवरी तक इसमें चरम पर होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ ने एक ट्वीट किया कि एक सप्ताह में उत्तरी मैदानी इलाकों में शीतलहर चलेगी। भारत में शीतलहर का आगामी दौर 14 से 19 जनवरी 2023 के दौरान वास्तव में चरम पर होगा। मैदानी इलाकों में -4 डिग्री से +2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह सकता है। इस बीच दिल्ली में आज गुरुवार हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने गुरुवार 12 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में 12 से 13 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान व्यापक स्तर पर बारिश या मावठ होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। विभाग के अनुसार 14 जनवरी से राज्य के अधिकतर भागों में एक बार पुनः उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट होने से राज्य में शीतलहर का नया दौर बीकानेर संभाग से शुरू होगा, जबकि 15 जनवरी से शीतलहर की तीव्रता में बढ़ोतरी होने से बीकानेर, जयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में शीतलहर से तीव्र शीतलहर दर्ज होने का प्रबल संभावना है। मौसम की हर एक अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।